रतनलाल जी के यहाँ पर बुलडोजर चले तो एक अब ये बात सरकार से मत कैरीज करो, देश की शांति के लिए करो। कायदे की बात बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी। अब जब मैंने कह दी भाई इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए? अभी यहाँ जाइए आप, इनके सवाल का जवाब वो इसलिए होनी चाहिए हमारे देश की शांति भी खराब हो रही, हमारे देश के दूसरे देशों में प्रोडक्ट बंद कर दिए, भारतीयों को ये बोलते हैं यहाँ काम करने नहीं देंगे, आपसी संबंध खराब हो रहे। अब कोई मांगे देश के लिए बोलने जा रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही कि एक महिला की तुम गिरफ्तारी नहीं करो और पूरे देशों से पास पास के देशों से आवाज उठ रही है कि माफी मांगो माफी मांगो, तब भी इनकी अरेस्टिंग नहीं करवा रहे, देश को झुकाने पर बार बार पे लग रहे हैं। खामोश हुई, मैंने तो बोला भाई मैं देश के प्रधान जी से अपील कर रही हूँ, वे चुप क्यों हैं? कुछ बोले, देश में इतना चीज हो रहा, हमारी शांति भंग हो रही और देशों से ऐसी ऐसी चीजें आ रही और देश के जो लोग हैं हमारे दूतावासों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, बोल लो कुछ बोल लो, और कैसे बोलूं? चला रहे बुलडोजर, सही है भैया चलाओ, लेकिन एक बुलडोजर इनके घर को भी घुमा दियो जिन्होंने ये हेट स्पीच दी है, जितने भी जितने सारे धर्म गुरु है ना, सारे धर्मों के एक एक बुलडोजर उनके भी घर घुमा दियो, और अपने वालों का भी घुमा दियो, और जितने थारे प्रवक्ता इनके भी घुमा दियो एक बुलडोजर, और जब बुलडोजर रतनलाल जी के यहाँ चलेगा तो एक इनके यहाँ भी चलवा दियो, जिनका जिनके पीछे देश की इतनी छवि खराब हो। हम चेहरा नहीं गई, अरे सुनिए सुनिए, या तो आप स्पेशल सुनिए, जब आप सुन लीजिए, जब आप किसी बात का मेरे से कोई गलती हो जाती है तो कहते कांग्रेस ने गलत बयान दे दिया, अगर मेरे से हो जाती है, जब आप गलत बात के लिए मुझे कांग्रेस बताते हैं तो सही बातों के लिए मुझे कांग्रेस। लेकिन प्रियंका गांधी भी सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव नजर आती है, कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब नुपुर शर्मा का बयान इतना ज्यादा चर्चे। मैंने बताया नहीं क्यों नहीं चेक करते सोशल मीडिया, बताओ। दूसरी बात, हमारे नेता का कोरोना हो रहा बताओ, इस बात का नहीं पता, अभी लखनऊ में गई थी, हमारे सारे कैंडिडेटों की मीटिंग लिया, कोरोना हो रहा। नुपुर शर्मा पे क्या स्टैंड है? मेरी तो यही है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में शांति की बहुत जरूरत है, और जगह जगह जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो आहत हुआ लोगों को तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। बीजेपी ने सुधार किया तो नुपुर शर्मा को देखते हो 38 नेता ऐसे चुनित किए हैं जो हैं। अब एक बात बताओ, जो पहले ये दिए थे इन्होंने बयान से बाबा ने, इधर डांसने वाले जो बाबा हैं इन्होंने दिए, अगर ठीक सी कार्रवाई जब कर लेते, एक एक बुलडोजर का पहिया होगा कोई ले जाते तो आज यूं माहौल नहीं होता। अब देखे देर आए दुरुस्त आए, आए चलो करी, लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल है वो माहौल बताओ ना क्या है, वो माहौल ये है कि पूरे देश में यहाँ प्रोटेस्ट, वहाँ की फोटो, वहाँ की वीडियो ये देखने को मिल रही। अब इसे रोकने का, अरे इसको रोकने का समाधान बताओ, बुलडोजर ठाव जारी, बुलडोजर को बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है यूपी में। मैं तो ये चाह रही जो संवैधानिक तरीके से कानूनी कार्रवाई है, अगर रतनलाल जी के घर पे बुलडोजर चले तो एक नुपुर शर्मा जी के यहाँ भी चले, ये तो लगना चाहिए। अच्छा, आप शर्मा पे। मैंने आपने सुना नहीं, कान खोल कर खड़ी होकर मैं धोरा सुना नहीं आपने, मैंने क्या बोला, अगर रतनलाल जी के यहाँ पर बुलडोजर चले तो एक नुपुर शर्मा के यहाँ भी चले। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप मानती हैं? देखिए 2 बिलियन 2.5 बिलियन से ज्यादा उनके उसूलों पर चलने वाले वो हैं, ठीक, और उनके लोगों को आहत हुआ है तो इसीलिए उनको माफी मांग लेनी चाहिए और कानूनी उन पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई नहीं हो रहा, कार्रवाई हो जाए, माफी न मांगे तो कार्रवाई हो जाए। क्या कौन सी कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? कानूनी कार्रवाई, संविधान वाली, हम ये नहीं चाहते किसी फांसी। संविधान में क्या गुरु क्या है? संविधान में देश करते वैल्यू खराब की, रिलेशनशिप खराब किया, देश को कितने का स्ट्रेस होता है पूरी कम्युनिटी को। मैंने आपने ये बेकार की बात कर रहा ना भाई यार, जब मैंने सारी बातों का आप एक मिनट रुकिए, क्यों जवाब कैसे नहीं दे रहे? हम सारी बातों का जवाब दे, जवाब नहीं दे रहे। जब हमने कह दी जो भी चाहे उसमें यूएपी आओ या पीए आओ, ठीक, जब हमने आपको ये बता दी संवैधानिक रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई होती हो वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इनका यूए लगा दो, पीए लगा दो, और टीए लगा दो, और यू लगा दो, या नई नई बात बता रहे हो तुम? फांसी की भी मांग की जा रही है। मैंने आपने सुना नहीं मैंने क्या कही? अभी इनको समझाना पड़ा, तुम्हें अलग समझाओ, जो कानूनी कार्रवाई है वो हो, बस खत्म बात। कानूनी कार्रवाई पर आप अपना पूरा पक्ष रखे, अब मैं कह दूं कि फांसी लगा दो, जब ना हुई संविधान में फांसी, जब नहीं हुई फिर कैसे कह दो? मेरा स्टैंड क्लियर है, मैंने आपको बता दी संविधानिक रूप से जो कानूनी कार्रवाई हो वो करो। अब ना मानो संविधान में ना हुई फांसी तो तुम क्या जबरदस्ती फांसी करवा दोगे? जबरदस्ती नहीं, लोगों की मांग से क्या होता है, संविधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अगर इधर के धर्मगुरु बोलते हैं मुस्लिम समुदाय के, उन पे भी उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए जो हेट स्पीच दे, और सनातन धर्म वाले बोले उन पे भी होनी चाहिए। तुम बेकार की बात करो, हाँ 50 बार कह दी हुई हुई नहीं, आपने देखा नहीं छवि खराब हुई अरब के देशों में, हमारे प्रोडक्ट बैन कर दिए, रिलेशनशिप भी खराब हुआ दूसरे देशों के साथ। लिख के दूं, मैंने आपको बता दिया जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें सब आ गया, यूएपीए टीएपीए है ना, 356 143 सारी आ गई। अब ये बात सरकार से मत कैरीज करो, देश की शांति के लिए करो। मैं विपक्ष हूँ क्या ना हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, फिर मैं जो मुद्दा था भाई, एक बात बताओ, आप अकेले बोल रहे, अब मैं और कितनों को बुलवाऊँ बताओ? कल पंचायत करके बुलवाऊँ, किससे बुलवाऊँ? और भाई हमारे जैसे लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं,
सुनते कि नहीं सुनते, कायदे की बात बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी। अब जब मैंने कह दी भाई इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए, अभी यहाँ आ जाइए आप, इनके सवाल का जवाब वो इसलिए होने चाहिए, हमारे देश की शांति भी खराब हो रही, हमारे देश के दूसरे देशों में प्रोडक्ट बंद कर दिए, भारतीयों को ये बोल दिया यहाँ काम करने नहीं देंगे, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, इसीलिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा मामला था भाई, सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। जिस जिस प्रवक्ता ने यू बयान दिया वो तो माफी मांगे हर चीज से, और उसी को वो अपने वही मांगे, देश देश के लिए बोले जा रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही कि एक महिला की तुम गिरफ्तारी नहीं कर रहे और पूरे देशों से पास पास के देशों से आवाज उठ रही है कि माफी मांगो माफी मांगो, तब भी इनकी अरेस्टिंग नहीं करवा रही है, देश को झुकाने पर बार बार पे लग रहे हैं। इसको भाजपा कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई इसी तो इसी की मांग को लेकर जो है बार बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रही है भाजपा। 300 लोग गिरफ्तार हो गए प्रोटेस्ट करने वाले। देखो उल्टा सीधा का तो मुझे पता नहीं, मैं तो अपील करती हूँ देश के प्रधान जी से कि जी तुम इनकी देश की शांति के लिए इनकी गिरफ्तारी करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी अमित शाह जी हो चाहे जेपी नड्डा हो तो मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए? अब देखो अब आप इन चीजों से आप कयास लगाओ, क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सरकार में नहीं हूँ मैं, है ना। अब इन चीजों से आप कयास लगाओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं। अगर उनको देश से इतना प्यार प्रेम मोहब्बत है तो एक एक महिला की वजह से, एक प्रवक्ता की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उनको उसको कानूनी कार्रवाई करके वो कर देनी चाहिए। यहाँ देश में अलग अलग इतनी बदनामी हुई है देश की, भाई प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साथ रखी है। अरे मैंने अभी तो जवाब दिया, अब एक बात बस, अब अरे मैंने बोला तो घर से भी फोन आ गया हमारे तो जी क्या कहेंगे। एक मिनट समय और दे दे, एक मिनट समय। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ बोलो भाई। आखिरी 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 बस समझ लीजिए कि 6 मिनट हो गया, 3 मिनट और बोल लीजिए। अच्छा वो तुम्हारा ऐड का सिस्टम होगा ना 3 मिनट का, 8 मिनट में लगता है। ओहो ओम फो, मोदी जी के चुप्पी पे खामोशी साध रही है आप, बड़ी बेबाकी से बोलती आई थी लेकिन आप खामोश। मैंने तो नहीं खामोश हुई, मैंने तो बोला भाई मैं देश के प्रधान जी से अपील कर रही हूँ, मैं चुप क्यों है, कुछ बोले, देश में इतना चीजें हो रहा, हमारी शांति भंग हो रही, और देशों से ऐसी ऐसी चीजें आ रही, और देश के जो लोग हैं हमारे दूतावासों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, बोल लो कुछ बोल लो, और कैसे बोलूं। नेपाल समर्थन में आ गया नुपुर शर्मा के, प्रोटेस्ट निकाल रहा है। अब मैं ओहो, अब एक बात बताओ, गलत देश भी अब समर्थन कर रहा है नुपुर शर्मा का, जो जो भोर दूसरे देश वाले हैं वो बेचारे परेशान होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी मना लो, उन्हें भी तो मना लो भाई। मेरी मेरा क्या है, मैं तो ये बोल रही हूँ जो कानूनी कार्रवाई है वो करो। आप बात को समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, आप घुमा के बात कान पकड़ना चाह रहे हैं, मैं सीधा पकड़ रही हूँ भाई, कानूनी कार्रवाई करो। अच्छा जो 200-300 लोग गिरफ्तार हुए उस पर क्या कहना चाहिए, यूपी सरकार लगातार बुलडोजर भी चला रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, हालांकि जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है वो अब तक गिरफ्तार नहीं है। चला रहे बुलडोजर सही है भैया चलाओ, लेकिन एक बुलडोजर इनके घर को भी घुमा दियो, जिन्होंने ये हेट स्पीच दिए, जितने भी जितने सारे धर्म गुरु है ना, सारे सारे धर्मों के एक एक बुलडोजर उनके भी घर घुमवा दियो, और अपने वालों का भी घुमवा दियो, और जितने थारे प्रवक्ता इनके भी घुमवा दियो एक बुलडोजर, और जब बुलडोजर रतनलाल जी के यहाँ चलेगा तो एक इनके यहाँ भी चलवा दियो, जिनका जिनके पीछे देश की इतनी छवि खराब हो रही। जो लोग सपोर्ट में आए हुए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी, मैं सोच रहे हैं कि हम नुपुर शर्मा जी की सपोर्ट करेंगे तो न जाने हमें देश के प्रधानमंत्री ONGC का डायरेक्टर ना बना दें इस लाइन में। वे मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं आप, मैं विरोध क्यों करूं, मैंने बता दी उनकी क्या मंशा। हाँ। मैं सोच रहे कि हम नुपुर शर्मा जी का आज ही पूरे वो हो रहा चर्चे परचे हो रहे।